हेलो हाय गाइस, तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ कुमार के फूल के पकौड़े। तो सबसे पहले तो आपको ऐसे डंडिया उसकी निकाल देनी है, जैसे मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ, क्योंकि ये पत्ते घास में होते हैं तो उसमें दो छोटे छोटे से कीटाणु भी होते हैं, तो आपको अच्छे से क्लीन करना पड़ता है। तो मैं जैसे दिखा रही हूँ आप क्लीन कर लेना। तो मैंने सारे ऐसे ही क्लीन कर लिए हैं और ऐसे आपको जो उसमें होता है अंदर फूल के वो आपको निकाल देना है, क्योंकि वो फिर कड़वा कड़वा लगने लगता है। और फिर हम इसको अच्छे से वॉश कर देंगे। देख आप देख सकते हैं मैं कैसे वॉश कर रही हूँ। तो हम एक एक को अच्छे से धो देंगे ताकि उससे जो भी इम्प्योरिटीज़ वगैरह हैं, उसमें कीटाणु छुट्टी बहुत हैं, वो निकल जाए। और ये मैंने रात भर चाल भिगा कर रखे थे, ये वो है। और हम साथ में ये लेंगे 5-6 लाल मिर्च, थोड़े से लहसुन, और हम लेंगे जो भीगे हुए चावल थे, मैंने उसको अच्छे से वॉश कर लिया था, फिर उसको मैंने डाल दिया है। तो मैंने उसको पीस लिया। और इस कटोरी से मैंने एक कटोरी बेसन ली थी। और हम इसमें साथ में ऐड कर देंगे नमक स्वाद अनुसार, हल्दी आधी चम्मच, और जो हमने पेस्ट तैयार किया होता उसको हम ऐड कर देंगे। और इसमें थोड़ा सा गरम मसाला, और उसी में हम आमचूर पाउडर भी ऐड करेंगे। और इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद से अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे। तो आपको अच्छे से मिक्स करना है इसको। तो आपको दिखाते भी जा रही हूँ कैसे मिक्स करना है। और ऐसा पेस्ट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं। उसमें ऐसे फूलों को डिप करना है और अच्छे से उसके ऊपर बेसन को कोट करके आपको गरम तेल में डीप फ्राई करना है। तो मैंने यहाँ तेल गरम कर लिया, तो अब मैं इसमें डाल दूँगी। और मैं सरसों के तेल में फ्राई कर रही हूँ। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर कोई भी कुकिंग ऑयल। तो ऐसे ही एक एक करके डिप करके हम उसमें डालते जाएंगे। आप देख सकते हैं मेरा फेस बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है, बहुत ज़्यादा टेस्टी दिख रहा है, मतलब कि अच्छा लग रहा है कि इसमें पकौड़े बने हैं, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। तो मैंने ऐसे ही एक एक फूल को अच्छे से डिप करके उसमें कढ़ाई में डालती जा रही हूँ। और हमें तेल के हिसाब से ही पकौड़े डालने हैं, नहीं तो ज़्यादा भर देंगे तो फिर टूटने लगेंगे वो। तो मैंने जितना तेल है उसमें स्पेस बना बना के मैंने डाल दिया है 5-6। तो ये जब नीचे से थोड़े से हल्के से फ्राई हो जाएंगे तो हम इसको पलट देंगे। हम जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ वैसे आपको भी करना है। तो देखो एक साइड से हो गया है, मैंने दूसरी साइड इसको पलट दिया है। ऐसे ही आपको पलट पलट के अच्छे से पकाना। और ये काफ़ी कुरकुरी लगती है, और आप एक बार बना के ज़रूर टेस्ट करना, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और ये देख सकते हैं आप, देखने में काफ़ी डिलीशियस और टैम्पटिंग दिख रहा है। तो प्लीज़ आप ट्राई कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।